अब की बार अखिलेश भैया की सरकार जी नर्सरी के बच्चे कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं सहरे पूर्वांचल माननीय श्री रमाकांत यादव जी, पूर्व सांसद। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। वो सर बताइए, क्या लगता है आपकी समाजवादी पार्टी कहां तक जाएगी? आप देख नहीं रहे पूरे प्रदेश में जो है इस समय एक आवाज निकल रही पूरे प्रदेश से, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं अब की बार अखिलेश भैया की सरकार जी नर्सरी के बच्चे कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं जानकारी हो गया केवल 2 घंटे पहले कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो लाखों लाख की भीड़ अपने आप हो जाती है। अब इससे बड़ा क्या गवाही हो सकती है जी? इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे सुल्तानपुर में, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हैं और ये पार्टी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये हमारा किया हुआ शिलान्यास है और बीजेपी हमारे किए हुए शिलान्यास को फीता काट कर अपना काम बता रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जितना काम अपने मुख्यमंत्री काल में अखिलेश जी ने किया है उन्हीं कामों का शिलान्यास और उन्हीं का उद्घाटन कर रही है। ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का पैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, किसानों की जमीन अधिग्रहण किया, किसानों को मुआवजा दिया, टेंडर भी हो गया था, काम भी शुरू हो गया था, कम पैसे में इससे अच्छी रोड बन रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसका पैसा भी बढ़ा दिया गया, रोड की चौड़ाई कम कर दी गई, बीच का डिवाइडर कम कर दिया गया, रोड की ऊंचाई कम करा दी गई, रोड पे अभी लहर है तो रोड भी खराब बनाया जी जी। इसको तो उन लोग शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उद्घाटन कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए बिना किए हुए काम को उद्घाटन कर रहे हैं जी। अभी काम पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, ये आगे चुनाव है क्या यही कारण है कि ये उद्घाटन कर दिया कि आगे चलकर सरकार बदल जाए तो भाई ये श्रेय किसी और को मिल जाए, क्या लगता है? देखिए, ये लोग आनंद बानंद में ये जान गए हैं कि बीजेपी लौट कर आने वाली नहीं है, इसलिए सोच रहे जो भी उद्घाटन कर ले, शिलान्यास कर ले, हमारा नाम रहेगा, लेकिन ऐसे नाम नहीं रहेगा। आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीटें हैं, पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और भारतीय जनता पार्टी यहां से 1 सीट निकाली थी, अब की बार क्या होने वाला है आजमगढ़ में? देखिए, आजमगढ़ की 10 सीट निकलेगी और उसके अलावा पूरे पूर्वांचल में भी सीटें निकलेंगी। अगर मैं आप ये सवाल कर दूं कि पूर्वांचल की कोई सीट बता दीजिए जहाँ भाजपा जीत रही हो जी, हर सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आजमगढ़ में एक चीज जो भाजपा जीती थी वो भाजपा नहीं जीती थी, यहाँ के लोग जीते थे, हम लोग जीते थे, भाजपा का वोट नहीं था जी। और एक आखिरी सवाल आपसे कि पिछली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटों पर दर्ज की थी और ये समाजवादी पार्टी मात्र 48 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और ये बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार हम 350 प्लस करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी कहां तक मुमकिन है अब की बार? 2012 में भारतीय जनता पार्टी 45 सीट थी जी जी, और 2017 में 325 पहुंच गई जी, हम 48 हैं जी जी, हम 375 होने जा रहे हैं अब की बार 375 का आंकड़ा है समाजवादी पार्टी का। हाँ, 375 का आंकड़ा है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारी बातचीत हुई सहरे पूर्वांचल माननीय श्री रमाकांत यादव जी से, पूर्व सांसद जो थे, और यहाँ पे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी वो मौजूद हैं और यहाँ पे अभी कुछ टाइम बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है।